मेरे साथ देखो, मेरे साथ देखो, मार साले, मार मार छोड़ मार। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ कहाँ भाग रहा है, मेरे साथ ये देखिए, मेरे साथ पीछे कहाँ पर टके हुए हैं, देख सकते हैं आप। ओ माय गॉड, मेरे साथ शिवम ब्रो, लाल तिलिया के मेरे साथ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों को। तो आज हम सहारनपुर में गुड मॉर्निंग हुई हम लोगों की। आज डेट है 29 और 29 दिसंबर 2023। भाई साहब बाहर कोहरा कट रहा था इसलिए हम लोग रुक गए, लेकिन फिर भी अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए हैं। क्या छोटू, सही बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस अब निकल रहे हैं। सहारनपुर में भी शायद घूमने लायक जगह है भाई, अभी सर्च कर लेते हैं, अब देखते हैं कहाँ जाना है। हिमांशु भैया कह रहे हैं कि सहारनपुर में रुके हैं तो घूम ही लेते हैं। उनके मोजे भाई इतने बदबू मार रहे थे भाई, तुम्हारी कसम नींद ही नहीं आई रात भर, और गाड़ी पूरी महक गई। पुलिस वालों तक ने जो है गाड़ी छोड़ दी थी हम लोगों की। क्या ही बताया यार, ऐसा अल्टीमेट आदमी साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग। देखो मिल्टन देख सकते हैं सामने, फोटो चाहे डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ भैया, डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दे फोटो दे फोटो दे फोटो। अब हम जाएंगे घर पे डालेंगे आके, ताकि लोग जो है फिर फोन करें हमें, भैया कहाँ घूम रहे हो, तो हम कहें भैया हम तो बाहर हैं, हमें तो 10 दिन और बढ़ जाएंगे हमारे। समझ रहे हो क्या? नहीं तो लखनऊ का पहले ट्रिप का हुआ, काम होता था डाली से, हाँ अब तो काम होता है ना, पहले ट्रिप होता था। कल निकल रहे थे लेकिन कल एक बहुत भारी मिस्टेक हुई हिमांशु से, और फिर वो हिमांशु की एक बात हमें अच्छी लगी, उन्होंने अपनी मिस्टेक तो हो गई लेकिन बहुत सही भी हुआ, क्योंकि अगर 9 बजे वहाँ उठे होते ना कल बहुत भारी मिस्टेक हुई थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात है वो, उन्होंने रास्ते भर उनको जो है हम लोग ताने देते आए, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी है, अपनी गलती मान ली, कहा कि भाई तुम सही हो। देखो आ गया लाल ततैया, निकली लाल ततैया, निकली लाल ततैया, आपके सामने पेश है ये लाल ततैया निकला। ये अरे जल्दी निकलो यार, आओ शिवम बॉय, ये लाल ततैया डॉन मैन। ए मांचा वो सार जब सारे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख लो भाई सुबह कितने बजे उठा रहा है तुम्हें, किसी को दिक्कत तो जाए फिर मत कहना, 7 बजे उठा रहा है तुम्हें। जब यहाँ आई गए तो सहारनपुर में है भाई घूमने लगे, यहाँ पे जाकर अपने दोस्तों को कॉल भी कर लेना, साथ में आ जाएंगे। यहाँ पे वो है नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बगल में 20 किलोमीटर आती तो वैसे भी है, पर चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। जूते पहन के सोए तो शिवम भाई रात में, वो वैसे ही उठ गए यूएस पोलेशन में, और क्या ही बताया जाए, मतलब क्या ही गुस्सा। एक थी जो येलो वाली बता रहे वो चौसी लंबी निकली रहती थी, वो फास्ट बहुत थी। हाँ वो ये तो फास्ट ही नहीं है यार, वो फास्ट बहुत थी, बाके तुरंत पहाड़ों, बाके तुरंत घर पे। आप देख सकते हैं यहाँ सहारनपुर का मार्केट, अच्छी खासी ठंड है। हम लोग इस होटल में रुके थे रात में, और भाई निकलते हैं सहारनपुर से सीधे नोएडा के लिए। चलिए हिमांशु ड्राइविंग सीट पे बैठ चुके हैं, और हम लोग निकलते हैं सहारनपुर से सीधे नोएडा के लिए। भाई यहाँ पर बहुत भीड़ हो चुकी है सहारनपुर में। गाइज हम लोग जो है यहाँ पे एक रेस्ट ढाबा टाइप का है, यहाँ पे उतर गए हैं भाई, चाय वाय पीते नाश्ता वास्ता करते हैं, क्यों छोटू भाई फिर निकलते हैं नोएडा के लिए। बिल्कुल यार, देखो हम लोगों की गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, देख सकते हैं कोहरा कितना कट रहा है भाई, ओहो ठंड बहुत हो रही है भाई। चलिए गाइज मेयर साहब की शक्ल देखिए, फेस अपडेट सही नहीं लग रहा मेयर साहब, मेयर साहब, मेयर साहब कह रहे हैं, मेयर साहब कैसे नहीं लग रहा, मेयर साहब क्या हो गया, क्या हो गया मेयर साहब, देखिए क्या हो गया।
मेरे साहब कुत्ता 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 पीछे मेरे साहब कुत्ता भाई कुत्ता मेरे साहब कुत्ता पीछे बड़ा बुद्धवा आ रहा वो कुत्ता आ रहा कुत्ता 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 सोचा जो साले हम जो बड़े कुत्ते हैं बताइए वहां से अंदर से मार तू आ रहे हैं मेरे को देख उसे देख उसे पूरी पिछवाड़े में हाथ क्यों डाले हुए पराठे कर दिए हमने तीन आलू प्याज के तो गोभी हम बहुत बढ़िया किया आपने बहुत अच्छा किया पाँच चाय मजा आ जाएगा हिमांशु बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई पराठे तुम कुछ और मैगी मानोगे ब्लॉग कैसे बनेगा दीपक का फिर चैरिटी ब्लॉगर का दिया साला ए शिवा थोड़ी देर के लिए एटीट्यूड बना लिया देख सकते हैं हम लोगों का आलू पराठा और गोभी पराठा आ गया है भाई सुबह सुबह का ये वाला रिवील करना है क्या ऑनलाइन ये वाला रिवील करना है ये वाला नहीं ये भाई हेलो ऐसा 700 किलोमीटर घूमा है मैं मुजफ्फरनगर रास्ते में हूँ है ना घर पहुँच पाऊँ मुजफ्फरनगर टी पॉइंट है सर मुजफ्फरनगर यूपी बारा टी पॉइंट होटल का नाम है पूरा प्लान के मुताबिक सब चीज फिक्स हो चुकी है हम लोग घर पे आ गए हैं देखिए हम लोग सोसाइटी की तरफ मुड़ रहे हैं गाइस मेयर साहब जी बैठे हुए हैं साइड में देख सकते हैं कंटू पर लगा के हेलो मेयर साहब और ये रहा हम लोगों का घर देखिए वैगनर खड़ी हुई है हम लोगों की जी जी वैगन खड़ी हुई है देख सकते हैं ये रही जी वैगन तो गाइस जरा घर और चलिए चलते हैं अंदर जैसा कि हम लोग पहुंच गए हैं घर ये देखो आप और ये रही हमारी गाड़ी यहाँ पे लगवाएंगे हम लोग गाड़ी से चलते हैं अंदर रेस्ट करते हैं देखते हैं आज का क्या आया देखो कल निकलते हैं और ये रहे हमारे भैया ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कॉर्पियो है ना बढ़िया ही रहेगा बाकी एक्सपीरियंस तो पता नहीं घर पे आके बहुत सुकून मिल रहा है यार चाहे दुनिया में कहीं भी घूम लो जो सुकून घर पे आके मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता ये रहा घर ये रहे छोटे ज़्यादा और ये देखो ये रहे यहाँ आगे बच्चे और ये शुभम भाई स्कॉर्पियन को लगवाते हुए हवा नहीं है क्या सब फ्री हो गई खत्म और ये देखो छोड़ो दादा बुलेट हटाएंगे तब हमारी स्कॉर्पियन आएगी शुभम भाई दे दो लगा देंगे गाइस देखिए इतने दिन खड़ी रही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही खोलिए सर कैसी रेट रही और शिवम भाई के साथ फिर से बोलो फिर से ये बुलेट के हाल देख सकते हैं मेरे साथ धक्का लगाते हो बुलेट में कैसी रेट ट्रिप भाई दोबारा नहीं आना एक बार और
नहीं गेट भी रखन ले। आपने इन्हें टैग दिया था एसकेएम का, तो इसकी फुल फॉर्म स्टीयरिंग का मसीहा। आप ये टैग एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। आप ये टैग एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अरे आप बंद क्यों करे थे? और चाय पियो भाई, चार्ज हो गया तुम्हारा फोन। तुम्हारे साथ देख सकते हैं शिव भैया की हरकत, हालत क्या हो गया भाई? क्यों तुम्हें कोने बैठे माधे से मिल लिया? ये बताओ तुम पहले हमें चलिया बुला रही है वो जाने। ये बताओ कितना खाना है, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? क्या खाना सिग्नल नहीं आएंगे भाई? इधर क्या रखे, इधर देखना। अरे वाह वेरी गुड, ये लुक में जाए, लुक में जाए। अरे वाह 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 वाह, सूटकेस के बराबर ही है। इसके पहिए चलाना जरा। तो गाइस अब हम लोग कटिंग कराने जा रहे हैं और छोटे दादा देख सकते हैं आगे जा रहे हैं और शिवम दादा बीच कटिंग कराएंगे अपनी। उसके बाद जो है ये ब्रावोड हेयर ब्यूटी मेकअप, क्या बात है। चलो देखते हैं किस पे कराते हैं कटिंग। इसके मैंने अभी तक कराई नहीं है पर रेट काफी सही है इसके, मतलब ज्यादा। तो गाइस हम लोग आए हैं कटिंग कराने और भैया अंदर कटिंग करा रहे हैं। चलते चलिए चलते हैं अंदर। ये थोड़ा टाइट कर देना। बढ़िया सही टाइम के लिए। फोटो हर चीज में घुसना चाहता है। You just wanna lose your mind. I know you hurt. I know you hurt. Let it out, just feel it. हम लोग का खाना आ चुका है और खाना बिना खाते हैं और फिर आराम से मौज मस्ती करेंगे घर पे। क्यों छोड़ो, हमारी दादी बहुत देर से कह रही है तुम लोग हमारे साथ बैठे नहीं, बात बात करनी है। बताओ अभी दादी के पास बैठ के बात करते हैं। गाइस खाना आ गया, खाना लग गया। टेस्टी है, देख रही है। पनीर है, पनीर की सब्जी और मिक्स वेज है और रोटी। खाइए गाइस, आप भी इंजॉय करिए, हम भी खाना खाते हैं और ब्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं। ठीक है गाइस,